नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट फैमिली। आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि क्रिस्टल की सीरीज़ में नेक्स्ट है और इसके लिए बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अक्सर मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि मैम, जब हमारे पास क्रिस्टल आता है या हम जब क्रिस्टल लेते हैं तो हमें क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो किसी भी क्रिस्टल के लिए फॉलो करने हैं। अब वो चाहे तो ब्रेसलेट हो और चाहे वो बड़ा सा कोई पीस हो, जैसे ये पाइराइट का पीस है, और चाहे कोई ट्री हो, राइट, या फिर कोई बॉल हो। अब वो चाहे छोटी सी सनस्टोन की बॉल आपके पर्स के लिए हो, आपके हाथ में मेडिटेशन के लिए हो, या आपकी टेबल पे रखने के लिए हो, हर एक क्रिस्टल के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जो करने हैं और हमेशा उनको ज़रूर करना है। मतलब कोई भी चीज़ आती है जब आपके घर में तो आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, वो कौन से हैं स्टेप्स, हर कोई पूछता है। तो मैं आज आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो बिना सोचे मतलब आपको करना ही करना है। इनफैक्ट जब मेरे यहाँ से, मेरी स्टोर से जब भी कोई क्रिस्टल लेता है तो हम उसको एक लेटर भेजते हैं, ऐसे साथ में देते हैं, और इस लेटर के अंदर पूरी डिटेल्स होती हैं मेंशन कि आपको किस स्टेप पे क्या क्या करना है। तो मुझे लगा कि मेरे वो सब लोग भी जो YouTube फैमिली के हैं जिनको इस बारे में और जानना है, शायद मेरे स्टोर से नहीं लिया हो, कहीं और से लिया हो, बट स्टिल आई शुड हेल्प देम। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। चलिए जी, तो सबसे पहले जब क्रिस्टल आपके पास आता है तो चाहे वो चार्ज्ड हो, चाहे वो इंटेंशन सेट किए हो, जैसे हम जब किसी को भेजते हैं तो हम उसे क्लेंस करके, चार्ज करके भेजते हैं, बट मैं हमेशा एक बात को मानती हूँ, कहीं से भी कोई भी एक क्रिस्टल आता है, उसके साथ में जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को नहीं जोड़ोगे तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। यानी आपके घर में सपोज़ एक आपने कुक रखा या शेफ़ रखी, वो पर्सन आया, उसने खाना बनाना शुरू किया, तो जो उसका ऑलरेडी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के भेजा गया था, यानी जो उसको पता था जैसा बनाना आता था उसने वैसा बनाया। मैं ये नहीं कह रही गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही ख़राब बनाया होगा, बहुत अच्छा बनाया होगा, बट हो सकता है आपके मन मुताबिक ना हो, हो सकता है आपकी प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है आपको सिंपल सोटे वाला मतलब घिया की सब्ज़ी पसंद हो, और हो सकता है कि आपको बहुत तेज़ लहसुन प्याज अदरक वाले खाने के शौक़ हो। और इसी तरह से हर एक जो भी क्रिस्टल आपके पास आएगा उसको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको अपनी एनर्जीज़ में लें, और उसके लिए स्टेप नंबर 1, आपको उसको क्लेंस करना है। चाहे चार्ज्ड है, चाहे कुछ भी है, आप हमेशा क्लेंस करेंगे। कितने हाथों से होके आता है आपने कभी सोचा? जहाँ से पैक हुआ उस पैक के बाद उस बॉक्स में गया, वो जो बॉक्सेस थे वो उनमें भी एनर्जीज होती हैं, उसके बाद वहाँ से कंसाइनमेंट उठा, उठने के बाद जो कोरियर कंपनी है उसमें कितने हैंड्स से टच होता हुआ, फाइनली जब तक आप तक पहुँचा एटलीस्ट 3 से 4 हाथ तो चेंज हुए ही होते हैं, है ना। और चाहे टच किया हो या ना किया हो, हर इंसान की, हर एक चीज़ की, इवन लिविंग और नॉन लिविंग, सभी के अंदर एनर्जी है। ये बात हम एज साइंस स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले क्लेंस करेंगे। क्लेंस करने के बड़े सिंपल तरीके हैं, 3 तरीके जो मैं सिंपल बताती हूँ। सबसे पहला, आप सेज बर्न कर सकते हैं, राइट, मैंने आपको ये दिखाया है, सेज बर्न करेंगे, इसको सेज कहते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, पूजा की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी मिल सकता है। ये आपको जो मैं अब दिखा रही हूँ ये सेज है, तो सेज को हमने बर्न करना है, और बर्न करने के बाद उसकी स्मोक जो है वो क्रिस्टल के चारों तरफ क्लॉकवाइज हमने घुमानी है। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड तरीका क्या है क्लीन करने का? जैसे ये मैंने आपको दिखाया, मैंने ऑलरेडी कपूर जला रखा है, और कपूर जलाने के बाद मैं अपनी क्रिस्टल को इसके कपूर के चारों तरफ से मैं इसको क्लॉकवाइज सर्कुलर शेप में घुमा रही हूँ। ये हो गया मेरा सेकेंड मेथड, यानी इसकी जो कपूर की धुनी है, यानी कपूर की जो स्मोक है, उससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अब तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड पालो सांटो। ये जो स्टिक कहलाती है ये पालो सांटो कहलाती है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी जो पूजा की जगह हैं, स्टोर्स हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मेडिटेशन का सामान मिलता है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो आप उसके साथ में भी यूज़ करते हुए सेम तरीके से स्मोक्स इसको क्लीन करेंगे। तो ये जो स्मोक्स हैं इनसे क्लीनिंग होगी, यानी हमने पहले इसको साफ़ कर दिया। अब ये तो 3 तरीके हो गए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है
कपूर भी नहीं है, पालो सांटो भी नहीं है और आपके पास सेज भी नहीं है। अगरबत्ती तो है, इसमें सबसे अच्छी अगरबत्ती होती है नाग चंपा की अगरबत्ती, अगर वो मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं कहूँगी सिंपल अगरबत्ती जला के उसकी जो धुआँ है, जो स्मोक है, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर टू पे हम आते हैं कि स्टेप नंबर टू पे क्या करना है। स्टेप नंबर टू पे हमने क्रिस्टल को चार्ज करना है। अब क्रिस्टल को दो तरह से चार्ज किया जाता है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप कांच की बोल में क्रिस्टल को रखोगे और फुल मून की वेट करेंगे। मतलब आपको अगर बहुत जल्दी नहीं है कि आपका फुल मून 28 डेज़ में आता है, एवरी 28 डेज़ फुल मून है, राइट, तो हम फुल मून की वेट करेंगे। अगर आसपास ही है फुल मून, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको कांच की कटोरी में क्रिस्टल को रात भर फुल मून की लाइट में रखेंगे ताकि वो वहाँ से चार्ज हो जाए, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से चार्ज हो जाए। अब सेकंड तरीका क्या है, अगर आपको लगता है नहीं अभी तो फुल मून जस्ट गया है और मुझे तो बहुत जल्दी है क्रिस्टल को मुझे पहनना है, मतलब कहते हैं ना नया कपड़ा लाएँ या कुछ भी नई चीज़ आए तो बहुत उत्सुकता रहती है कि हमें जल्दी से पहनना है, तो सेकंड तरीका क्या है, ये कहलाती है सेलेनाइट की प्लेट। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्रिस्टल है सेलेनाइट और ये चार्ज करता है। ये इस पर कभी भी हम रखेंगे चार्ज करने के लिए तो ये हमेशा चार्ज करेगा। तो क्रिस्टल को लिया और हमने सेलेनाइट की प्लेट पर रात भर छोड़ दिया इसको चार्ज होने के लिए। कहाँ रखना है, हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे हम इसको ऑल्टर में रख सकते हैं, मंदिर है तो मंदिर पे रख सकते हैं। अगर आपको मंदिर में नहीं रखना, आपकी कोई टेबल है वहाँ पे रख दीजिए और इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। टेबल के ऊपर रख सकते हैं आप, ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई आके इसको छुए नहीं अननेसेसरीली, और रात भर हमने चार्ज कर दिया। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया चार्जिंग का। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, मैं सेलेनाइट बहुत यूज़ करती हूँ और मैं सेलेनाइट को चार्जिंग के लिए मैक्सिमम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जब शाम के टाइम रात के टाइम उतारती हूँ क्रिस्टल्स को, तो मैं उस उतारने के बाद उनको सेलेनाइट की प्लेट्स पे रखती हूँ। मेरे पास 4-5 प्लेट्स हैं और बोल्स भी हैं, उनके ऊपर रख के छोड़ देती हूँ, रात भर चार्ज रहते हैं। हालांकि एवरी फुल मून नाइट आई स्टिल कीप देम आउट इन द मून लाइट टू बी चार्ज, बट ये लगता है ना कई बार कि हम कहीं ऐसी जगह गए, किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए, या एनर्जीज़ अच्छी नहीं थी, या हमें खुद को अपना ऑरा डिप्लीट होता हुआ लगा, तो हम ऐसे में उसको यूज़ करेंगे, चार्ज ज़रूर करेंगे। एनी हाउ, उसके ऊपर बाद में आते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, तीसरा स्टेप आपको करना है अगले दिन आपको इसको पहनना है। पहनने से पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने हथेलियों के बीच में रखेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे, और हथेलियों के बीच में रखने के बाद हम इसको सबसे पहले तो थैंक यू मन में बोलेंगे कि आप दुनिया के जिस भी कोने से, जहाँ से भी आपको कहीं से डिग किया गया होगा, कटिंग हुई होगी, पॉलिशिंग हुई होगी, उसके बाद आपको इसमें एज अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट पिरोया गया, या आपके पास अगर बड़ा सा पीस है, जैसे मेरे पास ये पाइराइट का है, तो ये जहाँ भी डिग हुआ, जहाँ से भी कटा, कटने के बाद ये सेट होके मेरे पास आया, तो जहाँ से भी ये आया है उस जगह के लिए, उसने जिसने डिग किया, जिसने बनाया, जहाँ तक आप तक आया, उन सब के लिए आप इसको थैंक यू बोलोगे। आप उस क्रिस्टल को दिल के पास लेके जाओगे, अपने हार्ट चक्रा के पास लेके जाओगे, और आप मन में एक इंटेंशन सेट करोगे। अब अगर मैं मन में इंटेंशन सेट करने की बात कर रही हूँ, तो आपको करना क्या है, आपको जो भी इससे काम है, यानी आपको इससे क्या हेल्प चाहिए, आप इसको वो बताएंगे कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सो मच ऑफ एन अबंडेंस इन माई लाइफ, फॉर ब्रिंगिंग पीस इन माई लाइफ, फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ, फॉर ब्रिंगिंग कंटेंटमेंट इन माई लाइफ। ज़रूरी नहीं कि बोल के बोलें, आप बिना बोले मन में भी कह सकते हैं, और मन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से पहुँचती है, और फिर आप बताएंगे इसे कि मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, या मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट में मेरी ये विश है, इसको पूरा करने में मेरी हेल्प करिए। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया, आपने अपनी इंटेंशन सेट कर दी। उसके बाद चौथा, आप इसको किस करेंगे, अपने टास्क बोलेंगे थैंक यू, और फिर उसको आप पहनेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको उस क्रिस्टल को लेफ़्ट हैंड में पहनना है या राइट हैंड में पहनना है। ये इन्फॉर्मेशन भी मैं जब भी क्रिस्टल लेते हैं मेरे से, मैं लिख के भेजती हूँ, अपने हाथ से लिख के बताती हूँ आपको कौन सा क्रिस्टल कौन से हाथ में पहनना है। जिस चीज़ की एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको हमें लेफ़्ट में पहनना होता है, और जिस चीज़ को हमें लेट गो करना होता है, हमारे अंदर से निकालना होता है, या वो चीज़ की एनर्जी से हमारा ऑरा प्रोटेक्टिव बनाना होता है, ग्राउंडिंग करनी होती है, ऐसी वाली चीज़, या जैसे नज़र के लिए पहनते हैं, उन सब क्रिस्टल्स को हम राइट हैंड में पहनते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई।
हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है, हर रोज़ रात को सोने से पहले हम जो भी क्रिस्टल्स पहने होंगे, आपने पेंडेंट पहना है या जैसे ये मैंने अमेजोनाइट की माला पहनी है, तो कोई भी क्रिस्टल पहना होगा तो उस क्रिस्टल को हम रात को उतारेंगे। हम क्रिस्टल्स के साथ नहीं सोएंगे, इन सब के अंदर एनर्जी होती है और हमारा जो बॉडी है, हमारा जो फील्ड है, रात के समय जब हम सोते हैं तो इट शुड बी डिवॉइड ऑफ एनीथिंग। अदरवाइज़ हो सकता है रेस्टलेसनेस हो सकता है, आपको नींद पूरी नहीं आए या आप रात में बेचैनी से उठ जाएं या कुछ, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। सो एनीथिंग मीन्स अब हो सकता है आप कंफर्टेबल ना सो पाएँ। तो बेस्ट तरीका क्या है, आपने जो भी क्रिस्टल्स पहने हैं आप उन्हें उतारिए, और उतारने के बाद मैं तो सेलेनाइट की प्लेट पर रखती हूँ और मेरे पास एक छोटा सा बोल है, मैं उस बोल के अंदर रखती हूँ और मेरे जो क्रिस्टल्स हैं वो सेलेनाइट की प्लेट में होते हैं। एक कांच का कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर यानी बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैं सेलेनाइट की प्लेट्स बिछा रखी हैं नीचे और वहाँ पर मेरे क्रिस्टल्स रहते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई डू। आप अपने बेड के साइड में भी इस प्लेट को रख सकते हैं, बेड के साइड में रखें और इसको क्रिस्टल्स वहाँ छोड़ दीजिए। और बहुत अच्छा ये रहेगा, बेड के साइड में भी नहीं रखना तो आप अपनी टेबल पे ऐसी जगह जो आपसे थोड़ा सा दूर हो, रात को शांति से उन्हें चार्ज होने दीजिए। इट विल मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड डिफरेंस टू यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले दिन सवेरे नहाकर हम फिर से पहन सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या पीरियड्स में पहने या ना पहने, सबकी अपनी राय है। बहुत सारी बुक्स में है कि पहनना चाहिए, पहन सकते हैं, बहुत सी बुक्स में है नहीं पहन सकते। क्रिस्टल बाइबल इस बारे में ऐसा कुछ नहीं कहती है। पर्सनल इक्वेशन आपकी क्या है, आपकी थॉट्स क्या हैं। मैं पर्सनली मैं नहीं पहनती हूँ उस टाइम के लिए, उन 3 to 4 days आई रिमूव देम एंड आई डोंट यूज़ देम। तो आप उसे उतार भी सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनर्जाइज वापस से होके और मे बी और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको खुद को ही एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन अननेसेसरली एडिंग ऑन टू दी एनर्जीज। तो ऐसे में फिर मैं नहीं पहनती हूँ। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहीं बाहर गए हैं, आप किसी से मिलने गए हैं, यानी जैसे कोई बीमार है उससे मिलने गए हैं, ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ आपको लगा नेगेटिव बहुत थी एनर्जीज और आपको अच्छा नहीं लगा, आप वापस आए और आपको बहुत मतलब बहुत ऐसे डिप्लीटिंग एनर्जीज़ लग रही हैं या बहुत थका थका लग रहा है या मन अशांत है या चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसे में आपसे मैं ज़रूर कहूँगी कि वो क्रिस्टल्स आपकी एनर्जीज़ लेगा भी और आपको देगा भी। तो ऐसे में ज़रूर क्रिस्टल को आपको 15 दिन में ज़रूर एक बार क्लेंस कर लेना चाहिए। और हर एवरी फुल मून नाइट यू मस्ट चार्ज द क्रिस्टल। न्यू मून नाइट के अगले दिन भी आप चार्ज कर सकते हैं, यानी जैसे आज न्यू मून है तो आप कल अपने सारे क्रिस्टल्स चार्जिंग के लिए रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सेट द इंटेंशन एंड दिस इज़ हाउ वी यूज़ द क्रिस्टल। आई होप ये पूरी इंफॉर्मेशन हमेशा आपके काम आएगी और आप इससे बहुत सा फ़ायदा भी उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सीरीज़ सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कष्ट के लिए आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, मैं अब यूँ क्योंकि समर वेकेशन है और मेरे पास भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आ गया है ज़्यादा, तो मैं वीक में 3 वीडियोज़ डालूंगी एटलीस्ट इस ड्यूरिंग दिस वेकेशन टाइम, एंड आई ट्राई एंड वाइंड अप विद दी कस्प सीरीज़ ऑल्सो, ताकि एटलीस्ट आप सब उन्हें देख पाएँ। और जो कस्प से रिलेटेड हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुँच पाए। Thank you once again and God bless you and lots of love.